हेलो एवरी वन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमी दैट इज चार्टेड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज हैंडलिंग द क्लाइंट मनी इन पी एम एल एम्बिट फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइज दी रूल्स सो यहाँ पर जो भी आपके चार्ट अकाउंटेंट्स हैं और यहाँ पर जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो एक्चुअली में अपने आ, जो क्लाइंट्स हैं उनके अकाउंट्स जो होल्ड कर रहे हैं वो भी अंडर द एमबिट ऑफ पी एम एल ए आ चुके हैं अब देखिए न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एक्ट के क्या प्रोविजन है और यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो हम इस सेशन में जानेंगे राइट सो लेट स्टार्ट सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्यों था सो so, आप देख सकते हैं द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड चेंजेस टू दी दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अब बात है अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है जो भी यहाँ पर आपको सीएस और सी देखने को मिलते हैं जो अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स होल्ड कर रहे हैं अब वो भी लाइबल होंगे किसके अंडर पी के अंडर अब इसकी कुछ सिग्निफिकेंस होंगी और बात है इस चेंजेस से कुछ ना कुछ आपको ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलेंगे सो so, इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके है, उन्होंने यहां पर जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं एंड कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स कैरिंग आउट फाइनेशियल ट्रांजेक्शन बिहाफ ऑफ द्लाइंट इन टू दी एम एल ए अब यहाँ पर जो सी हैं और सी हैं जो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर ट्रांजैक्शंस करते हैं वो जो ट्रांजैक्शंस हैं अब उनके लिए सी और सी भी लाइबल होंगे तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट प्रोविजन्स ली गई हैं किसके अगेंस्ट सी और सी के अगेंस्ट भी तो यहाँ पर उनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी आपको देखने को मिलेंगी अगर कुछ ट्रांजेक्शन में आपको फ्रॉड देखने को मिलता है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में सी और सी को भी यहाँ पर लाइबल किया जाएगा राइट सो आर दी चेंजेस अब न्यू रूल्स की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या फिर कंपनी सेक्रेटरीज हैं विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द नो योर कंपनी दैट इज के वाई सी प्रोसेस बिफोर कमेंसिंग एनी वर्क जो भी आपने कमेंसमेंट करनी है तो वहां पर आपको केवासी जैसे हमें अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है के वाई सी दैट इज नो योर कस्टमर सो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा जो सी ए है या फिर सी एस है उनको यहाँ पर दे विल बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू दी

मनी लॉन्ड्रिंग की यहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रही हैं तो यहां पर क्लाइंट तो लाइबल होगा ही होगा साथ में कौन लाइबल हो जाएगा दैट इज जो भी उनकी ट्रांजेक्शन कर रहा है अब चाहे फिर वो उनका सी हो चाहे फिर वो सी हो वो भी लाइबल हो जाएंगे पी के अंडर Right. So these are the new rules. Up significant changes kya hai up significant. So dekh sakte hai. The move aims to curb fraudulent practices by which accountants allegedly help their clients to launder. मनी अब देखिए जब भी आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या आप कोई ट्रांजेक्शन ऐसी करना चाहते हैं जो फ्रॉड्यूलेंट है तो आप किसकी मदद लेते हैं अपने सी की या सी की तो यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर मनी लॉन्डर करने के लिए हेल्प करते हैं तो यहाँ पर उनको भी लाइबल ठहराया जाए तो हम देख सकते हैं ऑब्वियसली बात है मनी लॉन्ड्रिंग इससे कम हो जाएगी So these changes are also expected to aid investigative agencies further in their probe against dubious transactions involving shell companies and money laundering. So जो आपको shell companies देखने को मिलती है, money laundering देखने को मिलती है, उसमें हम CS को भी यहाँ पर liable कर सकते हैं.

टू में बनाया गया था अब हम अगर हम यहां पर अथॉरिटीज की बात करते हैं तो ये क्या करती हैं तो आप देख सकते हैं नंबर वन इट कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी अर्न फ्रॉम द इीगली गेंड प्रोसीड सो अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है तो ये जो अथॉरिटी है ये इसको कॉन्फिस्केट कर सकती है

फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएटरी सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिपोर्टिंग एंटिटी जिसमें हमने अब सी ए और सी एस को रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया गया है क्यों क्योंकि उनसे अब हम के वाई सी दैट इज नो योर कंपनी को फॉर्म को फिल करवा रहे हैं सो so, आप देख सकते हैं अगर हम एपलेट ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इनकी कॉम्पोजिशन में आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिलेगा और यहाँ पर दो अदर मेंबर्स होते हैं अगर हम इनके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो चेयरपर्सन है शुड हैव बीन अ जज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द हाई कोर्ट दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर अगर हम एपलेट ट्रिब्यूनल की बात करते हैं

अब प्रॉब्लम क्या है देखिए अगर हम पीएमएलए की बात करते हैं तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है इसके क्रिटिसिज्म में आप देखेंगे तो यही कहा जा रहा है कि क्योंकि कन्विक्शन रेट बहुत कम है तो अगर आप यहाँ पर सीए और सी को भी इस एम्बिट में लेके आ रहे हैं तो उनकी फ्रीडम पे आप एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं फ्रीडम कर्ब कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है जो ट्रांजेक्शन आजकल इजिली हो पा रही हैं वो ट्रांजेक्शन आपको काफी ज्यादा हर्डल्स क्रिएट करेगी तो हम कह सकते हैं जो फ्रीडम है सी और सी की वो आप कर्ब कर रहे हैं राइट सो अगेन आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1956 जिसके हेड क्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गनाइजेशन मैंडेटेड टू इन्फोर्स पी एम सो ये जो पी को एनफोर्समेंट जो एनफोर्स करता है तो वो कौन सी हो जाती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट दैट इज ई इसको स्टैब्लिश कब किया गया है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में हेडक्वार्ट आपको कहां पर देखने को मिलते हैं इसके न्यू डेली में सो दिस इज इम्पोर्टेंट अगर हम पी एम एल ए के सेलिड फीचर्स की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा नंबर वन इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी यहाँ आप पर आपको एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमने पढ़ लिया यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ आपको देखने को मिलता है स्पेशल कोर्ट एग्जिस्ट करती है जहां पर हम एक्सपर्डाइट करना चाहते हैं जो भी केसेस आपको पी में देखने को मिलते हैं ऐसे ही पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग भी आपको देखने को मिलती है सो so पनिशमेंट इनकी काफी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि अगर आप सी और सी को भी इस में लेके आ रहे हैं तो उनकी फ्रीडम कर्भ हो रही है सो so अगर हम क्रिटिसिजम की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सर्टन प्रोविजन क्रिटिसिज्म ऑन दी ग्राउंड ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट बेल

राइट नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन बाई दी अक्यूज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मेड एडमिसिबल एज एविडेंस ड्यूरिंग ट्रायल अब अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फोर्सफुली कहा जाता है कि आप इस आपने जो जुर्म किया है उसको कबूल कीजिए आपको यहाँ पर फोर्सफुली कहा जाता है तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो भी आप यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं हम उसको एज अ एविडेंस

इससे प्रोसीजर लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा लंबा हो जाएगा खींच जाएगा जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा जो इनकी सी और सी की वर्किंग है उस पे आप एक कर्ब लगा देंगे तो आप देख सकते हैं इट हैज ओनली रिजल्टेड इन अ प्रोसीजर दैट टेक्स अवे एन इंडिविजुअल्स लिबर्टी डिप्राइविंग देम ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे बेल कंडीशन बहुत स्ट्रिंजेंट है ऐसी अरेस्ट कर सकते हैं अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो ग्राउंड भी नहीं बताते हैं तो आप देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल uh, हमारे आइडियल्स हैं उसमें भी आपको काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलती है तभी यह कहा जा रहा है कि ये जो है प्रोसीजर वो एक्चुअली में इंडिविजुअल की फ्रीडम को कर्ब कर देता है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड आइडियल्स हैं वो भी हमें प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं एंड प्रोसीजर ले डाउन अंडर दी सी आर पी सी जो सी आर पी सी में जो प्रोसीजर ले डाउन है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया जाता है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल की लिबर्टी चली जाती है क्रिटिसिज्म so काफी हुआ है अगर हम सीएसएस को भी लाइबल ठहरा देंगे तो उसकी वजह से जो वर्किंग है जो ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो नहीं हो पाएगा, राइट सो दिस इज द्रिटिशिज्मीक्यू रिलेटेड टू पीएमएल क्योंकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पीएमएलए का जो जो भी क्राइटेरियाज हैं जो भी यहां पर आपको सेक्शन देखने को मिलते हैं दैट बिकम्स इंपोर्टेंट

फेंडर्स अब अगर आपको ये आपने जो भी लेक्चर है उसको ध्यान से पढ़ा हो तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं यहां पर सिर्फ एक लाइन एक जो स्टेटमेंट है उसको एड किया गया है जहां पर हम यहां पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात करें सो so, आपके पास ऑप्शन है वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली वन एंड थ्री ओनली और इज इट वन टू एंड थ्री देखिए जब हम फर्स्ट uh, स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को भी एड किया गया है पी के अंडर तो यहाँ पर अमेंडमेंट्स की गई थी सो उन अमेंडमेंट्स में देखा गया है जो क्रिप्टो करेंसीज हैं या फिर हम जो वर्चुअल डिजिटल एसिड्स की बात करते हैं तो उसको भी हमने पी के अंडर ला दिया है सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज इज इट बैंड इन इंडिया नो इट इज नॉट बैंड इन इंडिया इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं अभी ही हमने किया कि इसको एनफोर्स करने के लिए कौन सी डायरेक्टरेट आपको देखने को मिलती है दैट इज डायरेक्टरेट जो एक्चुअली में पीएमएलए के अंडर बनाई गई है जो कि एक्चुअली में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को कंट्रोल करती है करती है प्रॉपर्टी और अगर आप लाइबल हैं अगर आप कन्विक्ट तो आपको पनिश भी किया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में सो so, आपका आंसर क्या बन जाता है दैट इज सी वन एंड थ्री ओनली क्योंकि यहाँ पर ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात करते हैं इट इज नॉट बैंड इन इंडिया राइट सो सेकंड स्टेटमेंट इज इन करेक्ट सो एक्सप्लेनेशन अगेन वो ही आपको दे रखी है सो so, आप देख सकते हैं जो पी एम एल ए है उसमें हमने क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी इंक्लूड किया है और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेक्शन फाइव और सेक्शन एट क्लॉस फोर ऑफ द पी एम एल ए द ई डी हैज डिस्क्रिप्शनरी पावर्स टू सर्च एंड सीज सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी विदाउट एनी जुडिशियल परमिशन सो यहाँ पर इनको ओवर पावर किया गया है सी आर पी सी में भी जो रूल्स दिए गए हैं उसको भी पार करते हुए ईडी को काफी ज्यादा पावर्स दी गई हैं जिसकी वजह से यही कहा जा रहा है क्योंकि पीएमएलए में कन्विक्शन रेट बहुत कम है और एक इंडिविजुअल की फ्रीडम यहां पर हर्ट होती है इसकी वजह से सीए और सीएस लेके आना पीएमएलए में उनके वर्किंग कंडीशंस को डैमेज करेगा राइट सो अगेन आपके जो स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं दैट बिकम्स वन एंड थ्री सो दिस वॉज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ पी आई होप यू लाइक द लेक्चर थैंक यू वेरी मच